गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरकेटी क्लासेस। देखो बिले लास्ट क्लास कौन करते अप टू क्वेश्चन नंबर आम 30-40 धरी होता बेले 31-40 आज कौन कर क्वेश्चन नंबर 41 स्टार्ट करवा अप टू 50 छोड़ दे बेले। ठीक अच्छे ना, देखो स्टार्ट कर क्लासटा जहाँकि वन में चलते ना पे गोटे 41 आम स्टार्ट करवा अप टू 50 जाए छाड़वा अच्छी है आम लाइन रे बंद बन जा। ठीक अच्छे, तो देखो पहले 41 नंबर क्वेश्चन हम कौन देखिए जहाँ भी हमें आज क्वेश्चन जाकर पे सब जगह हूँ मैट्रिक्स क्वेश्चन जगह पे। तो ये क्लास जगह आसवा आगे पहले फास्ट जो हमें मैट्रिक्स क्लास जगह करते फास्ट तुम्हें 100 दिव पे ये क्लास जगह आस तुम सुविधा बुझी भी पार बोले तुम हेल्प भी हम कन्से बुझे। ठीक अच्छे ना पे तो स्टार्ट करोश्चिन के 41 क्वेश्चन देख पे कौन देना क्वेश्चन गेवेन अच्छी फाइंड एक्स बोली कह ठीक अच्छे आउ वाई रिल्यू से पचार व्हेन 1 3 2 माइनस 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई मैट्रिक्स इक्वल टू हूँ 4 y तब गोटे इक्वेशन आम देखिए मैट्रिक्स फॉर्मेट्रे से पचारा पहले एक्स एंड वाई वैल्यू कौन हम है ना। तो कौन कर फास्ट में सल्यूशन देखिए 1 3 2 माइनस 1 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई विथ एक्स वाई मैट्रिक्स इज इक्वल टू कौन देखे 4 1 मैट्रिक्स। ठीक देख भले मल्टीप्लाई कर देबी तो कौन आस जो भला फर्स्ट रो फर्स्ट कलर ना देन सेकंड रो फर्स्ट कलर ना बोले ये अच्छी कौन 2 by 2 फॉर्मेट ये अच्छे 2 by 1 फॉर्मेट तो जाना पड़ी भला मल्टीप्लाई आराम से हीपर बोले जो आपको मुझे सल्व कली तो 1 × x बोले एक्स आसो ओके 3 + 3 × y कौन हाँ बोले 3 y हो। ठीक अच्छे 2 x हम यहाँ आम ठीक अच्छे ना पे 3 x + 3 y हला 2 x - y अच्छे पहले ये ठीक अच्छे एंड दिस इक्वल लगे कौन पाइबे ये रिकॉर्डिंग कर ली ये 4 1 आसला आपको जब मुझे इक्वेटिंग कली तो कौन देखे आस 4 x + 3 y इक्वल टू गोटे भैल्यू आस 4 एंड सेकेंड भैल्यू आम कौन आस 2 x - y इक्वल टू आस 1 तो ये है सपोज आम इक्वेशन 1 भाव दि ये सपोज इक्वेशन नंबर 2 भाव दि तर बेसिक कनसेप्ट बोले जिन आम इक्वेशन को सल्व करे से मैं ही फाइन कर ठीक अच्छे ना। तो कौन देखे आस कम कर इक्वेशन पे 1 ठीक अच्छे सैम रखिली प्लस कम कले पे 3 × कम करदे इक्वेशन 2 करदे ठीक अच्छे देखा जाए कम कौन पाइबे ये फर्स्ट होगा पे x + 3 y प्लस पे आप 3 मल्टीप्लाई कर दीजिए ना तो ये जो 6 x - 3 y इक्वल टू पे ये तो पहले हमारा 4 था प्लस पे जब 3 मल्टीप्लाई कर ली आराम से 3 बड़ा आसो बैठा तो कौन लगे 3 y कैंसिल हो गया तो जान भला 7 x इक्वल टू आसला बेले 7 कुछ प्लेस टू पे 1 x इक्वल टू हो 1 फर्स्ट कम सल ए पॉइंट नंबर 2 को जीवा एक्स वैल्यू ना एनी वन इक्वेशन रे सॉल्व कर लेबे हमरो वाई वैल्यू पड़ आसीबो देखो भाबे दिबे बोले सपोज बोले इथि मु इक्वेशन 1 रे को छला तो कोन आसीबो बोले 1 + 3 y इक्वल टू होची 4 सो पले 3 y इक्वल टू आसीबो 4 - 1 आसीबो पले सो 3 y इक्वल टू पले केत आसीबो 3 आसीबो तो जना पड़ची भला पले y इक्वल टू पड़ आसीबो 1 तो जहाँ मो क्वेश्चन बात ला पहले एक्स एंड वाई रो वैल्यू कौन हबो तो वैल्यू आस पहले एक्स रो वैल्यू आस 1 वाई रो वैल्यू आस पहले 1 ठीक अछि ना पहले तो आ दर कोन लेठे हमरो क्वेश्चन नंबर केते बेले 41 सल्ला हैला ठीक है पोस्ट करी कॉपी करो पहले देन हम जीबा नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 42 हो जीबा ओके ना पहले देखो क्वेश्चन नंबर 42 का मिला कौन दिस पहले हमको क्वेश्चन नंबर देखो गिवन अछि क्वेश्चन कौन दिस पहले गिवन द लाइट हमको देखो पहले 1 ओमेगा एटा एक्चुअली ओमेगा हवा कथा बेले बट ये कौन करछि था हमको डब्ल्यू दे दिछि ठीक अछि कि प्रॉब्लम नै पेले अब हम भाबि हनी हला डब्ल्यू नै करबा एक्चुअली क्वेश्चन ना होछि बेले ठीक है एटा स्किप हे जबो दे व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के थला क्वेश्चन ना बेले एडी क्वेश्चन ने बात ल जे के रो वैल्यू से पचार छि ठीक है ठीक के वैल्यू स्किप हे छि ठीक अछि ना बेले
तो आम चेक कर के वैल्यू कौन हम ए स्टेटमेंट रूप में फर्स्ट देख भल भाव एक कैसे कौन करेंगे आम डब्ल्यू को ओमेगा वैल्यू चूज कर कहीं क्वेश्चन मुझे देना ठीक अच्छे ना बोले आम कौन करवाको नहीं सल्व कर देखा जे के वैल्यू कौन हम देख बोले कौन कर फास्ट आपको जब मुझे मल्टीप्लाई कली देखिए आंसर कौन आसपे इकोडिंग करदेव जदि आपको मल्टीप्लाई कर फास्ट फास्ट कौन देवी ना बोले कौन आस आसपे आसपे डब्ल्यू ओके कौन आसपे डब्ल्यू स्क्वायर आस अच्छे कौन बोले ये वन प्ले डब्ल्यू ओके कौन आसपे ये डब्ल्यू स्क्वायर आस हाँ कि ना बोले इमें कौन हम सब जगह एलिमिनेट ना ठीक फाइन तो हो सब एलिमिनेट मैं दरकार भी ना बोले है राइट आंसर भी पूरा देख तुम सब मल्टीप्लाई करदेल दिस इक्वल टू पे आम ये कौन देख दीच पे जीरो 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 क्वेश्चन मुझे दे ना तो मैंने कौन देख बोले जदि ये स्टेटमेंट को मुझे इक्वेडिंग कल जानी भला है बोले जदि मैट्रिक्स इक्वल अच्छे मैंने मस्ट भी कौन हम करस्पंडिंग एलिमेंट जगह मस्ट भी इक्वल आस तो से कैसे मुझे कौन लिखी फर्स्ट इक्वेशन हो के प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो हम आउट कौन हम बोले वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो हम सो कौन लिखी गोटे इक्वेशन लिखुच बोले के प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू गोटे जीरो आस एंड आउट कौन आस वन प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल आस जीरो आस तो जना पड़ी भाला स्टेटमेंट रूप में जे डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल टू आस माइनस वन हाँ कि ना बोले जदि ये भैल्यू नहीं किसी पकईदेवि है कौन पकई बोले माइनस वन पकईदेवि तो कौन आस के माइनस वन इक्वल टू जीरो बोले हूज इम्प्लाइज टू है के इक्वल टू पाई वन तो जहाँ मुझे भैल्यू दरकार था बोले ये के वैल्यू क्या आसे के इक्वल टू वन डायरेक्ट जमा पड़ चुके सिंपल क्वेश्चन ना बोले हार्ड क्वेश्चन किसी भी नहीं जी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कले आउट मैट्रिक्स आस पचारा बोले ये के वैल्यू कौन हम खाली वैल्यू फाइंड करते होगा बोले ठीक अच्छे ना पूरा इजी क्वेश्चन ना बोले यहाँ तो 42 नंबर क्वेश्चन सरला बेले एवं करें क्वेश्चन नंबर 43 को जीवा ओके क्वेश्चन आम कौन देखिए क्वेश्चन नंबर हूँ 43 बेले क्वेश्चन देख कौन देला इफ ए इक्वल टू देसी बी प्लस सी ओके वेयर ए आम गिवेन एम कौन गिवेन अच्छे बोले टी भले देख बोले क्वेश्चन किसी डाटा आम मिसिंग अच्छे कौन डाटा मिसिंग अच्छी अलरेडी मोर क्वेश्चन भी देखा बट से प्रॉपर्ली डिफाइन करा पड़े कथ बोले कौन बी आउ सी कौन हो देख बोले स्टेटमेंट आम जानी भला है इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स देन दिस मैट्रिक्स कैन बी है रिप्रेजेंट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसी भी से डिफाइन करने बोले बी आउ सी रही कौन हम कहीं देखे कौन एपिजा भाभी देखे मोर पाए फाइव देला है से कहला पे तुम्हें आपको लेख समेसन अफ टू नंबर यहाँ हो बोले तो ये पसबिलिटी कौन कौन आसपे बोले जन लिखला भाभी दि वन प्लस फोर लिखला से भी ओके पे जन लिखला फोर प्लस वन लिखले से भी ओके हम कौन कि ना बोले बा जन यूज कला पे टू प्लस थ्री कले से भी ओके हम थ्री प्लस टू कले से भी ओके हम किसी फिक्स ना ना बोले है जदि आम क्वेश्चन देला गोटे अड नंबर नियो गोटे इवेन नंबर नियो ताप डिफरेंट कंडीशन आस हाँ कि ना बोले तो इमें कौन हम डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन फलो करा पड़ो बोले जो लिखुचे गोटे समेसन आकार ठीक सेमती बोले मैट्रिक्स खाली आमको गिवेन अच्छी से कहला समेसन फॉर्मेट लेख है किसी आमको डिफाइन तो करनी बोले है जदि आम भाव है क्वेश्चन जब ना बोले आमर जदि आम भाभी दबा आप कौन करें लिखा इन द फॉर्म कौन पे भाभी दि समेसन अफ हूँ ए सीमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए स्क्यू सीमेट्रिक मैट्रिक्स जदि मुझे लिखुच फॉर्म मैट्रिक बोले कौन आसो है भाभी दिव पे बी को मुझे लिखुची कौन सीमेट्रिक फॉर्मेट है जान भला कौन आस प्लस हूँ ए ट्रांसपोज ठीक अच्छे ना पे जान फॉर्मेट लिख पारे आम तो कौन पे आस इक्वल टू पे ए मीनस कौन अच्छे ए मीनस अच्छे वन फोर टू थ्री मैट्रिक्स एडिशन विथ आर ट्रांसपोज बोले तो लिखी दूसरी वन फोर टू थ्री मैट्रिक्स ट्रांसपोज दिस इक्वल टू बोले ये वन फोर टू थ्री मैट्रिक्स एडिशन विथ आपको ट्रांसपोज करदे कौन आस बोले वन आसो टू आसो सेकेंड कलम नहीं सेकेंड रोड पकईदे बोले फोर थ्री आस आदि सम करदे बोले कौन देखा आसमर वन प्लस वन हूँ टू फोर प्लस टू हूँ सिक्स
तो ये भी आसो बोले सिक्स आसो ये भी कहीं आसो तो फर्स्ट टाइम कौन कले बोले ए प्लस ए ट्रांसपोज फर्स्ट लिखे देवे बुझे लास्ट को कहे कहीं लिखुच ठीक अच्छे ना पे ये कम कर सी सपोज डिफाइन कर कौन लिखुच बोले ए माइनस कौन कले ए ट्रांसपोज लिखुच सपोज है जदि लिखिले एफ मार्क तो कौन लिखे आसो फर्स्ट है मैट्रिक्स आम 1, 4, 2, 3 माइनस बोले ए मैट्रिक्स ट्रांसपोज ना 1, 4, 2, 3 मैट्रिक्स ये है ट्रांसपोज जदि लिखे आपको 1, 4, 2, 3 मैट्रिक्स ओके माइनस ये 1, 2 ये 4, 3 मैट्रिक्स अच्छे माइनस करदे आप तो कौन लेखा आसो ये आम 1 - 1 हो 0 4 - 2 आसो बोले 2 आस 2 - 4 के आसो बोले -2 आस 3 - 3 0 आस ठीक अच्छे ना बोले ए देख भल लगे आग कौन लिख पार जदि मुझे टी पॉइंट भाला बुझ तो बोले है कहीं खाली क्वेश्चन आम देखा बोले आम कौन लिखा एज ए सम अफ लिखापी किसी डिफाइन करदि आम थीरी अनुसार जब अच्छी फॉर्मेटा तो अनुसार लिख दूसरे कौन देख We know that a matrix can be written as कौन देखा बोले half into a plus a transpose okay plus half into a minus a transpose तो फॉर्मूला लिख पे बोले जो दी a फॉर्मेट में लिखूँ a equal to देख बोले कौन आ चुका इज वो हाफ इनटू आमे डिफाइन करचे पले बी जो स्टेटमेंट अछि ना कथला बने 2 6 2 6 6 6 तला ओके एडिशन विद हाफ इनटू पले देखो सेकंड टाइम बाय थला बले कोन थला 0 2 -2 0 2 -2 0 तला ओके ने एति फर्स्ट नंबर थला जदी हाफ टा भितरे गुण दउ छि बले चेक कर देखि दवा ए इक्वल टू हाफ गुण दिए बोले आसो वन आसो थ्री आसो थ्री आसो बोले थ्री आस मैट्रिक्स एडिशन विथ जब हाफ टा भाई गुण दिए बोले जीरो वन माइनस वन जीरो आस चेक कर देखीद है एड कर देखिए एर भैल्यू आस वन प्लस जीरो हूँ बोले वन आसला थ्री प्लस वन हो फोर थ्री माइनस वन हो टू थ्री प्लस जीरो आस आराम से कौन आस भैल्यू आसी पड़ी तो ये कैसे मुझे लिखिपरि कौन ये जो मोर बी स्टेटमेंट है तो ये मस्ट भी सी स्टेटमेंट हो जहाँ मुझे डिफाइन करते फॉर्मेट है तो फर्स्ट लिखीदे बेटर हो बोले एक केस बी मैंने कौन डिफाइन कली लिखीदे से फॉर्मेट बोले मन रखिए किसी डिफाइन कर तो बी रैल्यू हूँ बोले हाफ इंटू है ए प्लस ए ट्रांसपोज सी मैंने बोले हाफ इंटू हूँ ए माइनस ए ट्रांसपोज यहाँ गोटे हाफ रेट ही मल्टीप्लाई करदे आम आंसर ठीक अच्छे जैसे मोर स्टेटमेंट अनुसार थी ठीक अच्छे ना बोले खाली हाफ टे मल्टीप्लाई कर दूसरे बोले ठीक अच्छे ना तो आराम से आम आंसर ठीक पड़ आसा बोले तो सीटा मुझे कहते बोले फर्स्ट क्लास देख भल बुझ भल लेखालेखी आगे बढ़े फर्स्ट जब कपी कर दी थी तो बहुत बड़े हो ठीक अच्छे ना बोले तुम कौन पाइल कह गोटे मैट्रिक्स को लिखिपर एज ए सम अफ हो बोले सीमेट्रिक आस क्यू सीमेट्रिक जो डिफाइन कर ना बोले किसी प्रॉपर्ली डिफाइन करनी बोले है ना बा तुम चाहिए आपको डिफरेंट फॉर्म लिखे हो बोले प्रॉब्लम किसी ना प्रॉपर्ली किसी डिफाइन करने ना जदि यहाँ किसी डिफाइन कला तो आंसर ठीक अच्छे तुम चेक कर देख आंसर ठीक अच्छे ना बोले तो आदर कहीं क्वेश्चन नंबर 43 सरला बोले ठीक अच्छे ना टे पोज करपी कर दिखापर आम जा क्वेश्चन नंबर दे बोले 44 को जी है क्वेश्चन देख बोले कौन देखा ये क्वेश्चन आम देख बोले इफ ए एंड बी आर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर जब सेम ऑर्डर मैट्रिक्स आम दे ए आमको सेम ऑर्डर मैट्रिक्स देखे देन से पचारा ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज इज ए डैश मैट्रिक्स ठीक है चेक कर देखिए बोले कौन लगे आमको ए बी ट्रांसपोज दे माइनस बी ट्रांसपोज देला बोले से पचारा ये कौ मैट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन देखो कौन दे पॉइंट से कह क्यू सिमेट्रिक हम कि पॉइंट टू दे नल मैट्रिक्स हम कि नहीं देखा ओके पॉइंट थ्री आम कहते हैं सीमेट्रिक मैट्रिक्स पॉइंट फोर कहते इन मैट्रिक्स ठीक है चेक कर देखिए बोले ये को मैट्रिक्स हो पार ठीक अच्छे ना बोले देख मु सपोज चेक कर
एबी मैट्रिक्स एबी ट्रांसपोज माइनस हो जी कोन एठा हमर छि बी ए रो ट्रांसपोज रहला सपोज आरो होल ट्रांसपोज चेक कर दो छि बेटा तो इठो जाना पड़ जइबो ये सिमेट्रिक केबा सी सिमेट्रिक हो छि नने देखो भला पहिले यूनिट मैट्रिक्स पे हम कोन दका छि 100 दका छि सेम खाली ऑर्डर टे कहला किछि कंपल्सरी नै पहिले नॉन मैट्रिक्स पे हम कोन दका छि 000 दका छि पहिले छि जे कंपल्सरी किछि नै खाली चेक करबा सी सिमेट्रिक केबा सिमेट्रिक हे परियो कि नै देखो बे कोन करबा जानि छ भला बे ए माइनस बी जदि भाबियो पले तो भाबी देबो सपोज ए सी जदि हला डी जदि हला सी माइनस डी डॉट ट्रांसपोज इक्वल टू सी ट्रांसपोज माइनस डी ट्रांसपोज हे परिबो ताउ जदि पके ले पले कोन लिखबि ए बी ट्रांसपोज ओके रो होल ट्रांसपोज माइनस ये कोन आछ पले बी ए ट्रांसपोज रो होल हो छ ट्रांसपोज दिस इक्वल टू ले आप लिखि परिबि ऑलरेडी जो ना करे जानि छ भला बे ए बी रो ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इक्वल टू कोन आछ पले बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हम पढ़ी छबे है ना तो जेता में जे पढ़ी छ भला बे तो आप लिख परिबि कोन देखो पले बी ट्रांसपोज रो हो छ होल ट्रांसपोज इनटू ए हला बा ए ट्रांसपोज आछबो माइनस कोन हो पले अकॉर्डिंग टू दिस नथले ए ट्रांसपोज रो हो छ कोन छ पले ए ट्रांसपोज रो हो छ पले होल ट्रांसपोज आछला ये कोन छ पले बी ट्रांसपोज आछबो इक्वल टू पले बी ट्रांसपोज ट्रांसपोज माने कोन पले वैल्यू आछबो बी आप लिख ले पले ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज रो ट्रांसपोज मींस पले ए आछबो इनटू कोन ला पले बी ट्रांसपोज आछला जदि मु कोन कले केस रे पले माइनस जदि कॉमन कर दो छी तो कोन पाई जी पले फर्स्ट ऑफ ऑल ना पले ओके देखो ले कोन आसीबो आकु देखि फर्स्ट ऑफ ऑल ए बी ट्रांसपोज माइनस कोन आसीबो पले बी इनटू हो छी ए ट्रांसपोज देखो भला पले ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज रो होल ट्रांसपोज आमे नले आसला कोन पले माइनस ऑफ आसला ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज दैट मींस पे हम जानि पडछो भला एबे ये काउंट है जो पले स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो पले तो ए जो क्वेश्चन नंबर 44 रो आंसर कोन आयो पले हमरो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है जो पले जानि पडछो भला एबे तो ये हैला कोन हमरो क्वेश्चन नंबर 44 पले तो कि लिखियो पले फर्स्ट के पॉज के कॉपी कर दियो देन हम क्वेश्चन नंबर 45 को जबा पले पूरा बेसिक क्वेश्चन लेबले हला जहा के हमरा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक रो बेसिक डेफिनेशन हम कहू छी कोन देखले कहू छी जदी हमें कहू छे सी ट्रांसपोज जदी आंसर असला माइनस सी ट्रांसपोज हला माइनस सी रहले बले से वैल्यू हमरा बा सी इक्वल टू कहला बले माइनस सी ट्रांसपोज हे गेला देन हम को कहू बले स्क्यू सिमेट्रिक कहू छे जदी वैल्यू प्लस आइले माने सिमेट्रिक हमरा छे तो बेसिक डेफिनेशन ता हम से फॉलो कर लेबे ठीक अछि ना बाबू छी कॉपी कर लेथियो बले एबे कोन करियो हमें क्वेश्चन नंबर 45 को जवाब रे क्वेश्चन देखा हम कोन देला क्वेश्चन दे छि पले इफ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ठीक अछि पले ऑर्डर देखा हम कोन देला पले 3 देला ठीक अछि ना पले राइट द वैल्यू ऑफ एन पचला पले क्वेश्चन कोन पले हमको एन द वैल्यू पचला ठीक अछि कडिया पले व्हेन डिटरमिनेंट ऑफ 3a इज इक्वल टू हो पले एन इनटू कोन हला डिटरमिनेंट ऑफ हो छि ए ठीक के क्वेश्चन भला बुझि आबले ए गोटे मैट्रिक्स हम दे छि से ऑर्डर कोन अछि पले 3 अछि तमे जेकोसे मैट्रिक्स नियो जा ऑर्डर कहि दे बोले 3 हेतिबो हला तमे जहा भी नै परिबो सपोज कम कहले गोटे मैट्रिक्स मु चूज करले तो आइडिया कर खोला हला पले भाबी दियो गोटे मैट्रिक्स कोन अछि खुले ए नली बी नली सी नली डी ई एफ जी एच आई गोटे मैट्रिक्स मु चूज करले बेले मु कोन कहि एबे 3a फर्स्ट फाइंड करबे देन चेक करिए बेले 3a बेले कोन हो गेलो ये आसीबो 3a 3b 3c 3d 3e 3f 3g 3h ओके ये पांच जो प्ले स्ट्रीट कौन सा प्ले आई एस यू राइट ये कौन इटा में प्ले 3a रो वैल्यू वाला अब देखो बेले बेला ए फाइंड कर दिस बेले 3 ए फाइंड कर दिस एबे हम क्वेश्चन पासिबा कोन पछला को बेले 3 ए रो डिटरमिनेंट पछला देखो भला है बेले 3 ए रो डिटरमिनेंट करी कोन लग पासिबो एटी पड़ीबा हमरो 3 ए 3 बी 3 सी 3 डी 3 ई 3 एफ 3 जी 3 एच और 3 आई थिला देखो प्ले
যদি ম্যাট্রিক্স আমি কোন গলে পেলে কিছু মাল্টিপ্লাই করছে স্কেলার কোয়ান্টিটি সেকন হবে পেলে ইচ এন্ড এভরি এলিমেন্ট মাল্টিপ্লাই হবে বাট ডিটারমিনেন্ট কেস আমি কোন কৌছি পেলে যদি আমি কিছু কমন করছে বা কিছু মাল্টিপ্লাই করছে মানে সেকন হবে এদার এনি রো রে মাল্টিপ্লাই হবে অর কোন পেলে এনি কলাম মাল্টিপ্লাই হয়ে পারিব জানিছো ভালো ভাবে কনসেপ্টটা তো যেহেতু এই কোশ্চেনটা কোন এটি আমরা ডিটারমিনেন্ট আছে পেলে তো এই কেসে কোন হবে যদি আমি কই পেলে রো 1 রে কোন করিবা 3 কমন কর রো 2 রে পেলে 3 কমন কর রো 3 কোন করিবা পেলে 3 কমন কর দে তো কোন লিখিবা লিখি দেবা বেটার হবে পেলে বাই টেকিং কমন হ্যাঁ 3 ফ্রম আর 1 আর 2 আর 3 যদি আমি কমন কর দেলে কোন পাই হবে 3 এ র ডিটারমিনেন্ট ইকুয়াল টু পেলে 3 3 3 ভ্যালু না পেলে 3 ইনটু 3 ইনটু 3 বাহালা এটা হলো পেলে এ বি সি ডি ই এফ জি এইচ আই রে লাগবে হ্যাঁ গিনে এটা দেখো পেলে ভালো হবে আর মাল্টিপ্লাই ভ্যালু তো আছে মানে এটা বলো 27 আসবে ইনটু হচ্ছে কোন পেলে আমরা এ র ডিটারমিনেন্ট তো জানা পড়ছে ভালো হবে পেলে যে এন র ভ্যালু থি লাগি নাই সে কত আছে এটা পেলে আমরা 27 আসবে কোশ্চেন ভালো বুঝিলা পেলে হ্যাঁ সপোজ ভাবি দেবলে কোশ্চেন এখন আছে আমার অর্ডার 3 দে কি ভাবি দিও অর্ডার 2 দে লাগলে তো সে কেসে কোন হবো যদি এ 3 মাল্টিপ্লাই করছি মানে পেলে সে কেসে ভ্যালু আসিব 3 এর স্কয়ার আসিব হ্যাঁ এটি কোন হলো 3 এর কিউব আসলে एक्चुअली যদি আমি কইছে 3 এ র ডিটারমিনেন্ট না পেলে আকাম লিখি পারিবা 3 এর কিউব পেলে ডিটারমিনেন্ট অফ এ হলো যদি কোশ্চেন কোন থা লাগলে অর্ডার 2 থানতা তো সে কেসে কোন হবো পেলে 3 এর স্কয়ার আসিব হ্যাঁ কোশ্চেন দেখি আইডিয়া করতে হবে না আর কোশ্চেন দেখি ফর্মুলা আমি পকাই পারিবা ঠিক আছে না বলে তো ইয়ে হলো কোন আমার কোশ্চেন কত গলা বলে 45 সরলা টি পজ করে কপি করে দে বলে তারপর নেক্সট কোশ্চেন তে যাবা ওকে দেখো বলে 45 নং কোশ্চেন দেখন দিছি তাকে আমি সলভ করিবা কোশ্চেন দেখলে আমো দলা ইফ এ ইজ এ ম্যাট্রিক্স অফ অর্ডার কোন দিছি বলে 2/3 দলা ঠিক আছে এন্ড বি ইজ এ ম্যাট্রিক্স সাচ দ্যাট বুঝা গলা কোশ্চেন বলে কোন দিছি এ ট্রান্সপোজ বি এন্ড বি এ ট্রান্সপোজ কোন হচ্ছে স্যাটিসফাই করছে বলে বোথ ডিফাইন হই পড়ছে गोटे मल्टीप्लिकेशन वैल्यू डिफाइन के तले हो पले जो से कोन करथु मल्टीप्लिकेशन रा बेसिक प्रॉपर्टी जहा के हमरा कॉलम रो सेम दिया पड़िबो हला तो सैटिस्फाई करथु बोले देन से पछला बी रो ऑर्डर टा पछला बोले भलो क्वेश्चन दे छी एकी हम गोटे देखो कोन करिबा फर्स्ट टाइम चेक करिबा ए ट्रांसपोज बी के तले डिफाइन हो देखो भला पले तो फर्स्ट टाइम क्वेश्चन दे छी बोले ए जो दे छी ना मैट्रिक्स टा से ए मैट्रिक्स रो ऑर्डर टा हो छी बोले 2/3 एरा फर्स्ट हम उदला अच्छा बोले पॉइंट वन देखिबा जे ए ट्रांसपोज एरिया में डिफाइन करछे पले है ना तो से केस रे हैला आरो मैट्रिक्स ऑर्डर टा कोन आछ देखो फर्स्ट जेतु ए टा होची 2/3 ए ट्रांसपोज मस्ट बी कोन होले 3/2 हो जणा पड़छ बला अच्छा इनटू बी थिला पले बी गुटा में मैट्रिक्स नबा जहर ऑर्डर हमू दरकार आछ पले भाबी दो सपोज हम लिखि देले एठी एक्स क्रॉस वाई बा एक्स बाय वाई कोन लिख लेबे जे कि डिफाइन भी होछ हैला डिफाइन भी होछ बेले ठीक से मिथि बेले मते भी कोन दरकार छी बी मैट्रिक्स दरकार ना बेले हैला अगेन कोले बी ए ट्रांसपोज ना बेले बी रहला ए ट्रांसपोज रहला आ देखो भला ए फेले बी ट्रांसपोज रे वैल्यू मस्ट बी कोन होबो 3/2 तो थियो ना बेले आ कोन लिख लेथि मु एक्स बाय वाई लिखली ओके ना बेले जदी एदरे स्टेटमेंट को कंपेयर करली देखो बेले मल्टीप्लिकेशन रे कंडीशन कोन आर फर्स्ट मैट्रिक्स रो नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू सेकंड मैट्रिक्स कंजम नंबर ऑफ रो इथियो बले जानिछ भला आबे एटी भी सेम पडियो बले आर नंबर ऑफ कॉलम इक्वल टू आर नंबर ऑफ रो इथियो तो जणा पडछ भला आबे ए स्टेटमेंट वाला जे एक्स इक्वल टू मस्ट बी 2 इथियो ठीक अछि बले एठो हम कोन पाइले बले वाई मस्ट बी कोन इथियो बले ऑर्डर 3 इथियो सॉरी 3 इथियो बले जेतु एक्स रे वैल्यू होची 2 वाई वैल्यू होची बले 3 सो कोन लिखि बले बी जो हम पाहरे मैट्रिक्स थिला हैला ना बले त ऑर्डर कतेला एक्स कोमा वाई ना 2n एक्स बाय वाई बले ये हो छि 2/3 आ ये हो छि कंप्लीट हमरो ऑर्डर ऑफ बी 2/3 बुझा पुर छिना पिले सिंपली खाल दमे बेसिक जात ला परे डिफाइन करतला ना ताको सैटिस्फाई कला माने ता कंडीशन ना पके हे गेल ठीक अछि ना तो आ दरा कहले इठे हमर क्वेश्चन ओके ते गेल पिले 46 सला पिले ठीक अछि ना ठीक के पॉज कर कॉपी कर दे पिले देन हमें जीबा क्वेश्चन केते हमरो 47 बुझ ओके पिले बाबूजी कॉपी करथबो पूरा बेसिक इजी क्वेश्चन जाव पले आ आप फर्स्ट टाइम कोन दरकार आछ पले जा के मैट्रिक्स पढ़थ ना ना तो मैट्रिक्स हम थ्योरी दरकार आछ तो फर्स्ट टू भी कहथले हैला तो थ्योरी आइडिया नै तो ए क्वेश्चन जा कंपोज हबनि पले हैला तो बेसिक थ्योरी आइडिया आछ माने आराम से हे जाय परबो
46 साला ना पहले 46 साला 47 देखिबा क्वेश्चन हम कोन देला पहले क्वेश्चन से हम दउ छी हला से पचला पहले फाइंड एक्स बोले पचला ठीक अछि पहले क्वेश्चन हम कोन देला एठी एक्स गिवन अछि एक्स देला पहले -1 दे छी आ ये क्वेश्चन डा कोन छी 1/2 ऑर्डर रे अछि माने सिंगल रो अछि ड्यूअल कॉलम अछि ये कोन अछि पहले 2/2 ऑर्डर दे छी ठीक अछि जदि ये मल्टीप्लाई हबो देनी बेला मु से मैट्रिक्स फॉर्मेट ता बट एक्चुअली कोन आंसर आइबो को जदि आके मल्टीप्लाई करियो ना पहले आर देखो नंबर ऑफ कॉलम को नंबर ऑफ रो सेम अछि आंसर मस्ट बी कोन हबो पहले 1/2 रे आछिबो ता माने ये जो जीरो मैट्रिक्स थिवो से मस्ट बी 1/2 ऑर्डर रे थिवो पहले जणा पड़छ भला रे अच्छा एक कांसेप्ट हम चली जाबे तो कोन ल करियो एथरो फर्स्ट लिखु छि पहले एक्स माइनस 1 मैट्रिक्स ओके मल्टीप्लाई विथ 1 0 -2 0 मैट्रिक्स इज इक्वल टू बिले हम कोन बाय जो फर्स्ट ऑफ फर्स्ट कोन देखिबा तो ये ला एक्स ये ला प्लस प्लस हो छि 2 सेकंड देखिया प्ले ये 0 तो 0 अछि हो प्ले तो जे चांस भलावे ये मस्ट बी कोन हो प्ले 1/2 ऑर्डर रे थिबो आ खाली मो इक्वेटिंग कर छि कास तो प्ले 0 मैट्रिक्स सहित से कोन अछि 1/2 ऑर्डर अछि ठीक अछि आकु जे रे इक्वेटिंग कर देले प्ले तो एक्स प्लस 2 इक्वल टू आसी बो 0 सो रीजन प्लस टू बिले x इक्वल टू आसी बो माइनस 2 आ देखो पहिले बहिरो जो आंसर बा हम जो नोट आंसर दिछ ना पहिले से हम दे छि आंसर 2 दे दिछ पहिले एक्चुअल आंसर कोन आसी हमरो -2 आसी ठीक अछि ना तो ये सला इठी कोन हमरो क्वेश्चन कते गला पहिले 47 साल आपले ठीक अछि ना पर बेसी क्वेश्चन आपले खाली इक्वेटिंग कर दबा जे तू क्वेश्चन देनि पहिले मल्टीप्लाई होछ माने मस्ट बी किस ऑर्डर थिबो ना पहिले से किमे थिबो 1/2 ऑर्डर थिबो ता हम जानि कि इक्वेटिंग करि पके आपले ठीक अछि ना तो आदरा कोन आइठ हम क्वेश्चन नंबर 47 सल्ला के पोस्ट के कॉपी कर दे बोले 48 नंबर क्वेश्चन बुझबा ओके देखले 48 नंबर क्वेश्चन हम कोन दे छी 48 देखला मुदला देखो प्ले तमे कंफ्यूज हो बने ये 4 5 6 ए सिंबल रे हम खाता रे हम क्वेश्चन दे छी पले जाके हमरा क्वेश्चन में प्लान दे छी पले बट एक्चुअली आर मीनिंग हो छी कोन ये बोले मैट्रिक्स टा केते जगह कोन हो छी हमरा मैट्रिक्स से मुके डिफाइन ही पड़ छी पले तो देखियो भला कोन ही पड़ियो तो मैट्रिक्स देखा हम फर्स्ट डिफाइन कर छी ये जणा पड़ छी भला ये हो छी 1/3 ऑर्डर रे अछि ओके से पचल एक्चुअली कौन पहले ऑर्डर ऑफ ए पचल ठीक अछि आ ऑर्डर हम फाइंड करबा ठीक जहां भी आसी भेल हम देखि आबले एक्स वाई दाम दका अछि देखो पहले जीरो मैट्रिक्स किस डिफाइन करने ना किस डिफाइन कर छी बोले कि डिफाइन ये भी करने हां देखिए अपने कौन पॉसिबल हे पारे जेहेतु ये 1 दे छी तो आर ऑर्डर मस्ट बी 1 थिबो हम कि ना पहले ठीक अछि भला पे ओके ना पहले आर ऑर्डर वाई आसीबो देखिए पहले एक्स एंड वाई रे पहले कौन हे पारे जदि 1 थिला पर भाबी तो सपोज जदि 1/1 हे गेला जदि हला काई क्वेश्चन दिस डिफाइन करनु पले जदि ये मैट्रिक्स ऑर्डरटा 1/1 हला तो जणा पुरची भलाए पले देखो भलाए तो जणा पुर देखो पले फास्टिंग होची एदरा सेम थिया पड़िबो मल्टीप्लाई रे कंडीशन गन पले ये मस्ट बी सेम आ पड़िबो सो जणा पुरची x इक्वल टू हिजिबो 3 आंसर जो आसी ना पले से मस्ट बी कोन हो आरो फर्स्ट को लास्ट थिबो 1/1 अछि 1 तो अछि पले ये मस्ट बी कोन हो बेठ हमरो ये हम 3 हला x 3 हो प्ले y मस्ट बी 1 दिस जदी y टा 1 हला प्ले तो जणा पुरची भला पे जो a मैट्रिक्स रे ना सो ऑर्डर ऑफ 2 1 की 3 दे दो a मैट्रिक्स हला कोन से प्ले हमरो ये आसी बो x बाय 3 ना प्ले तो 3 बाय हो छवा अब ये हो चुका प्ले हमरो क्वेश्चन कते बेला 48 आंसर पूरा बेसिक क्वेश्चन ने बोले खाली हमें इक्वेटिंग कर देले जणा पुरची बेसिक प्रिंसिपल हमर कोन मल्टीप्लिकेशन रो ता आंसर पड़ आछ बोले ठीक अछि ना एबे हमें जीबा क्वेश्चन कते बोले 14 लिखिबा क्वेश्चन देखबले हम कोन देला ट्रांसफॉर्म द मैट्रिक्स हला इनटू कोन दिस बोले यूनिट मैट्रिक्स माने कोन बोले जदि 2/2 फॉर्मेट अछि तो हमें ट्राई करबा जिंत कोन बोले हमरो 1001 फॉर्मेट आसीबो हो कि नै तो देखो ट्रांसफॉर्म बैंक कहला बोले एटी कोन करछि मु एलिमेंट ऑपरेशन यूज कर दोछि देखो क्वेश्चन फास्ट कर लेउछि लेट नी आउछि प्ले ए गोटे मैट्रिक्स मु चूज करली से होछ कोन प्ले 6 3 थिला 2 2 थिला आकु ट्रांसफॉर्म करली फॉर्म मान ना प्ले तो फर्स्ट बेसिक कांसेप्ट कोन करछि प्ले एनी रो रु किछि कॉमन कर परि बा किछि मल्टीप्लाई कर परि मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्म रे तिना प्रॉपर्टी थिला प्ले तो फर्स्ट प्रॉपर्टी मु जे अप्लाई करली तो डायरेक्ट लिख परि प्ले कोन R1 tends to कौन कुछ बोले half into कौन बोले half ने बोले 1/3 into कौन बोले
आर वन डायट को फिर बढ़ लो कुछ नहीं बोले ठीक से मिलती आर टू टर्न्स टू बोले वन बाय टू इंटू कौन बोले आर टू कर जदि ये अप्लाई कल कौन बोले क्वेश्चन है अब दिस इक्वल टू बोले डायट को फिर प्रलंगेशन है बोले तो ये हो टू वन बोले वन वन मत कौन दरकार बोले एफ मार दरकार ना आउ डी ट्रांसफॉर्म कर तो डायट अप्लाई कर प्रॉपर्टी आर वन टर्न्स टू आर वन माइनस कौन कहले बोले आर टू कर दिली आर वन माइनस आर टू कर दिली तो कौन देखे आस टू माइनस वन हो वन माइनस वन हो जीरो वन को वन रखिली वन को वन रखिले बोले ठीक अच्छे ना नेक्स्ट आउट प्रॉपर्टी अप्लाई कर बोले सेम प्रॉपर्टी अप्लाई कर आर टू टेन्स टू आर टू माइनस कौन कर आर वन करदे ये जो माइनस करदे ना बोले तो कौन आस देख आस वन जीरो सेम रहा बोले वन माइनस वन हो जीरो वन माइनस जीरो हो तो ये कौन ये आई टू फॉर्मेट पड़ा ठीक अच्छे ना तो कौन ये आराम से ट्रांसफर्म होगा बोले को फॉर्मेट को आई टू फॉर्मेट को जहाँ रिक्वेस्ट बोले यूनियन मैट्रिक्स फॉर्मेट तो खाली ट्रांसफर्म यूज कले बोले आराम से रो अप्लाई कले तुम चाहिए कलम भी कर किसी बल ना बोले आंसर सेम ठीक अच्छे ना बोले ठीक है पोस्ट करके कॉपी कर दियो देन आम जी लास्ट क्वेश्चन को बोले ओके भावी कॉपी कर दूथ बोले देख एम करें लास्ट क्वेश्चन देखिए बोले कौन क्वेश्चन नंबर हूँ फिफ्टी आज कौन है फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा अच्छा लैम्डा वैल्यू पचार बोले सी हमको कौन दा क्वेश्चन नहीं बोले तीन इक्वेशन आम गिवन अच्छी इक्वेशन वन टू आउ थ्री दे एंड किसी कंडीशन भी देखे कौन दा क्वेश्चन देला द सॉल्यूशन मस्ट बी कौन बोले इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन थी बोले अच्छा यदि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है देख बोला बोले ये कौन अच्छा हमरो होमोजेनस देख बोले अच्छी यदि होमोजेनस केस को आसला आउ जे कहला बोले हमरो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन आसला हला सो से केस रे बोले डेल्टा मस्ट बी जीरो होइतो बोले यदि डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो हला तो से केस से कोन बोले इनवर्स सॉल्यूशन दबो जानि छ भला पे बेसिक कांसेप्ट ला हमरा हला तो जेहेतु ये होमोजेनस फॉर्मेट अछि तो डायरेक्ट कोन लिख पे बोले ए केस रे डेल्टा मस्ट बी जीरो हबो डेल्टा मींस के बोले कोफिशिएंट मैट्रिक्स हला ओके बाय डिटरमिन कर दबो बोले डिटरमिन नाम दरकार डिटरमिन कर दबो बोले तो कोन लिखिबे ठीम देखो डिटरमिन ऑफ आखि कोफिशिएंट ला चूज करबे 1 माइनस 1 1 डायरेक्ट बोलबे बिट क्वेश्चन डायरेक्ट हमरा ये कौन छले 1 लैम्डा माइनस 1 1 लैम्डा माइनस 1 थर्ड कौन छले माइनस 1 1 1 दिस इक्वल टू हमर 0 नबा आ ठीक के सॉल्व कर दे आपला को और काम कर छी प्रॉपर्टी पकड़ छले कॉलम 1 टेंड्स टू कॉलम 1 प्लस कौन कहले कॉलम 3 कर दे छले ठीक अछि ना जदी अप्लाई कले कौन देखो बिल आसी वठी दिस इंप्लाइज टू प्ले 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हला 1 माइनस 1 0 हे गला माइनस 1 1 प्ले 0 हे गला दिस मैट्रिक्स हला एला माइनस 1 लैम्डा 1 या बोले 1 माइनस 1 1 प्ले इज इक्वल टू होची कोन हमर 0 आकु जानी मबे सॉल्व करची तो 2 इनटू हला बोले ये होची लैम्डा माइनस ऑफ माइनस होची प्लस 1 इक्वल टू 0 बोले तो हुई जिम प्लेस टू ब्लैक टू जीरो है जीवो लैम्ब्डा प्लस वन इक्वल टू हो चुकी जीरो हुई जिम प्लेस टू ब्लैक लैम्ब्डा इक्वल टू हो चुकी माइनस वन हल्ला बिल्ले तो कॉल जाना पड़ ची तो ठीक और आंसर आएगा क्या मतलब लैम्ब्डा बिल्ले असल बिल्ले माइनस वन जी का वो सर्च पे करियो बिल्ले उजा पड़ ची भला है तो एक केस है कौन आईटी पिला हमरो क्वेश्चन जाते गला हमरो 50 भी सल्ला बिल्ले पूरा बेसिक कांसेप्ट अपने लिया हमरो जो दिया होमोजेनस फॉर्मेट अच्छी तो से केस कौन बोले ये मुझे कौन दबो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन दे पारे केत दे पारे जो कौन है आमर डेल्टा वैल्यू थी जीरो आस ठीक अच्छे ना ये कनसेप्ट मुझे यूज कले आराम से आंसर पढ़ा लगे ठीक अच्छे ना जो किए लिखियो बोले फर्स्ट टिके पोस्ट करी कॉपी कर दियो ओके ना बोले ठीक अच्छे ना बोले देखो तो आज हम कौन पढ़ले बोले क्वेश्चन नंबर हम कौन कले 41 रो हम स्टार्टिंग कले बोले एंडिंग हम कोड़ी कले बोले 50 नंबर क्वेश्चन हम एंडिंग कर दले नेक्स्ट क्लास हम कौन करें प्ले 40-51 स्टार्ट करवा ना 69 करवा है दसटा लेखा क्वेश्चन चलिए किसी प्रॉब्लम हेनी है मैथ दसटा क्वेश्चन चलिए सेम फिजिक्स भी चलती केमिस्ट्री भी चलती तुम सिक्वेन्स सब पार्ट देख बोले है क्लीयरली आइडिया भी होगी भावी मुझे तुम डाउट जहाँ भी अच्छे बोले कमेंट लिख तो आम ट्राए कर 100% सल्व करें ठीक अच्छे ना बोले तो आज मैं था बोले थैंक यू फर वाचिंग।